गोरखपुर के कैंट छावनी रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार की भोर में बिहार के बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। चार बदमाशों को गोली लगने के बाद कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों की फायरिंग में तीन पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए चारों बदमाश बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। गैंग से मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा 1,00,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस संबंध में डॉक्टर विपिन ताडा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय गोरखपुर के मोहद्दीपुर चौराहे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें दो बाइकों पर चार संदिग्ध युवक तेजी से आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने असलहे निकाल कर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर कैंट इंस्पेक्टर ने तुरंत स्वाट एसओजी और आसपास के थानों को अलर्ट किया और बदमाशों के पीछे लग गए। कैंट छावनी स्टेशन के पास उन्होंने बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई तो पुलिस ने भी जवाब दिया। इस कार्रवाई में चारों बदमाशों को गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए चारों बदमाश बिहार के कटिहार जिले के कोठा थाना क्षेत्र के जोराबगंज के रहने वाले हैं। उनकी पहचान करण पुत्र ललवा, वीरेंद्र पुत्र विनोद, शिवा पुत्र प्रकाश, हैरान पुत्र प्रकाश के रूप में हुई है। बदमाशों को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अभियुक्त पूर्व में देवरिया जिले से जेल जा चुके हैं। वह बिहार के कटिहार क्षेत्र से गोरखपुर व पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में आकर लूट व टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते हैं व तुरंत बिहार लौट जाते हैं। जनपद गोरखपुर की चार घटनाएं इनके द्वारा की गई है। ये बहुत ही बड़ा गैंग है। हाल ही में इसी गैंग ने कौड़ीराम और कैंपियरगंज में टप्पेबाजी और बड़हलगंज व खलीलाबाद में लाखों की लूट की थी और भी जानकारी की जा रही है। बदमाशों की फायरिंग में प्रभारी निरीक्षक कैंट के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। प्रभारी निरीक्षक कैंट के सरकारी वाहन के सामने शीशे पर भी गोली लगी। घटना में तीन आरक्षी भी घायल हो गए। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस को कई हथियार मिले हैं। इनमें से जनपद कुशीनगर से 2014 में लूटी हुई सरकारी ग्लॉक पिस्टल 9mm, तीन खोखा, एक कारतूस 9mm, एक कंट्री मेड पिस्टल 9mm, तीन खोखा, एक कारतूस 9mm, एक 315 बोर का कट्टा, एक खोखा और एक कारतूस 315 बोर अलग अलग घटनाओं में लूटे गए 55,000 रुपये नकद, घटना करते समय इस्तेमाल में लाए जाने वाले तीन मोबाइल, गाड़ी की डिग्गी तोड़ने वाले लोहे का नुकीला हथियार, दो मोटरसाइकिल, एक पल्सर और एक होंडा शाइन, दोनों मोटरसाइकिलों की जांच चल रही है, शामिल है। इस गैंग से मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 1,00,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, स्क्रीन पे थोड़ा सा बुलेट के पास, बुलेट होल के पास। हाँ ठीक, गाड़ी मॉडल दिखा दो। हेलो, आओ भाई, दो नंबर
मैडम पानी दे दीजिए, मिलेगा मिलेगा सर। कौन खेला है? अच्छा है मैगजीन के साथ मिल गई वापस। ठीक है ये सामान रखे हैं, ले जाएं, फोटो करना है आपको भेज दें। जी इसमें रात्रि में पुलिस चेकिंग कर रही थी, जिस दौरान दो मोटरसाइकिल पर चार संदिग्ध युवा वहां से गुजरे, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, इस पर उनका पीछा किया गया। थाना कैंट क्षेत्र की ये घटना है। आगे जाकर पुलिस पार्टियों ने दोनों तरफ से इनको घेर लिया और घेरने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में चार बदमाशों को गोली लगी है और पुलिस पार्टी में भी एक इंस्पेक्टर हैं कैंट, उनको अपने बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है, उनके वाहन पर गोली लगी थी। जो सभी घायल और मजरूब हैं उनका इलाज चल रहा है, अभी अस्पताल में है। और इसमें ये गैंग जो है इनसे पूछताछ में जानकारी हुई कि बिहार में कटिहार के हैं और वहाँ से ये घटना करने के लिए गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पर कि ये पिछले 3-4 साल से लगातार घटनाएं कारित कर रहे हैं। इसमें ये देवरिया से पूर्व में जेल भी गए थे, इन पे गैंगस्टर मुकदमा भी हुआ था, काफ़ी बड़ा गैंग है जिनके ये चार लोग मेंबर हैं। और इनसे बरामदगी में हमें एक ग्लॉक पिस्टल मिली है, जो ग्लॉक पिस्टल है वो सरकारी पिस्टल है। जानकारी में पता करने पर पता चला कि कुशीनगर में 2014 में एक थाना है जटहां बाज़ार, वहां से ये पिस्टल जो है कानून व्यवस्था संबंधित समस्या के दौरान इंस्पेक्टर से छीन लिया गया था और वहां इसमें लूट का और डकैती का मुकदमा दर्ज है। वही पिस्टल आज तकरीबन 8 साल बाद बरामद की है पुलिस ने। और इसके अलावा इनसे एक और पिस्टल मिली है देसी और एक तमंचा मिला है। 50,000 रुपये लूट के बरामद हुए हैं, जो कि इन्होंने बड़लगंज में घटना करके एक दिन पूर्व ही छीने थे एक व्यक्ति से। इसके अलावा दो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें कि एक पे नंबर नहीं है, एक पे गलत नंबर पड़ा है, उनकी जाँच अलग से करवाई जा रही है। इनके पास से हमें कुछ सिम कार्ड भी मिले हैं, जो सिम कार्ड हैं वो बंगाल और आसाम नंबर के हैं, उनकी जाँच करवाई जा रही है किस प्रकार से इन्होंने ये नंबर लिए और क्या इसका उपयोग ये कर रहे थे। फिलहाल इन सभी पक्षों की जांच की जा रही है, इनके अन्य साथी जो हैं उनके बारे में भी जानकारी कर उन्हें भी वांछित किया जाएगा, उन पर इनाम घोषित कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर जी ये किस पर्पज़ से यहाँ आते थे, किस प्रयोजन से आते थे, इस सभी चीज़ों को हम सभी पहलुओं को देख रहे हैं और इसमें ये लूट भी करते थे, टप्पेबाजी भी करते थे, इसके अलावा और क्या कार्य ये करते थे इसकी भी जानकारी की जा रही है। हो सकता है ये सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हों, तो इसको हर तरफ से देखा जा रहा है
और जो भी तथ्य इसमें आगे आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, शासन स्तर से इस टीम को 1,00,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो कि प्रशंसनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। और ये काफ़ी दुर्दांत गैंग था जो काफ़ी लंबे समय से ये घटनाएं कर रहे थे। इनकी विशेषज्ञता है इस प्रकार के अपराध में, ये डिक्की तोड़ के अपराध करते हैं। यदि कोई बैंक से निकलता है तो उसका पैसा छीन लेते हैं। ये बैंक के अंदर दो लोग रहते हैं, 2-3 लोग इनके गैंग के बैंक के बाहर रहते हैं, और अंदर वाले जब बाहर वालों को सूचना देते हैं कि किस थैले में पैसा है या किस व्यक्ति के पास पैसा है, ये उसके पीछे लग जाते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। इनके पास में ऐसा पाउडर भी बरामद हुआ है जो इनका कहना है कि उसे इस्तेमाल ये खुजली करने में करते थे। कई बार जब बैंक में या बाहर किसी व्यक्ति का ध्यान भटकाना होता था तो उस पर ये अपने शिकार पे ये पाउडर डाल देते जिससे उसमें खुजली होने लगती थी, और वो अपना बैग या तो साइड में रख देता या डिक्की में रख देता और ये मौका देखते ही उसे लेकर फरार हो जाते थे। जी हाँ, ये कई बार आकर रेकी करते थे और ये लगातार हर 10 दिन में सप्ताह भर में आते थे, 2-3 दिन रुकते थे, रेकी करके घटनाओं का अंजाम देते थे और फिर पुनः लौट जाते थे, फिर आते थे। और ये पुलिस ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है जिसमें गैंग पकड़ा गया है, और इस कार्यवाही से आगामी दिनों में इस प्रकार के जो अपराध हैं उस पर अंकुश लगेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। जिसमें गोरखपुर में इनके अभी साथी कोई संज्ञान में नहीं आए हैं, इनका रुकने का मुख्य जगह की तलाश की जा रही है, किस जगह ये रुकते थे। फिलहाल ये जानकारी में आया है ये कुशीनगर में कहीं पर अपना बेस बनाए थे जहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, और इनके अन्य साथी कौन है इसकी पूरी जांच करके आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। जी, इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, पुलिस की वाहन पर गोली भी चली है, वो लगी है, और जो इंस्पेक्टर कैंट हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गए। तो इसमें पुलिस टीम ने काफ़ी बहादुरी और सूझबूझ का परिचय दिया, और ऐसे खूंखार और दुर्दांत अपराधियों को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि एक 8 साल पुरानी ऑटोमेटिक इम्पोर्टेड पिस्टल है जो कि सरकारी विभाग की है वो बरामद की है। ये कार्य प्रशंसनीय है जिसके लिए इनको 1,00,000 रुपये शासन की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया है।